नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद आज कड़ी स्टूडियो में आया हूं जहां देश भर के प्रतिष्ठित आर्टिस्ट अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो आज हम जो स्टूडियो में आए हैं, सुनीता लांबा जी हमारे साथ हैं। सुनीता लांबा जी को बहुत समय से जानता हूं, इनकी पेंटिंग्स बहुत मैंने देखी है और यहां पर पता लगा कि आप इतना सुंदर स्कल्पचर भी बनाती हैं। तो आज हम इनके बारे में आपसे पूरी जानकारी लेंगे, किस प्रकार से आपने स्कल्पचर बना रही है, क्या कर रही है, आपका अलग अलग मीडियम में काम है, तो थोड़ा सा बताइए आप किस किस मीडियम में काम करती हैं? मैं क्ले से स्टार्ट करती हूँ जी। मैं क्ले में काम करती हूँ और क्ले को कन्वर्ट करती हूँ फाइबर में, और जब मेटल कास्टिंग करनी होती है तो उसको फिर मैं मेटल कास्टिंग का एक प्रोसेस है, फिर हम उसको पीस मोल्ड करते हैं, फिर मेटल वैक्स पीस बनाते हैं फाइबर कास्टिंग करते हैं, और जो वैक्स होती है वो थिकनेस होती है मेटल। जी बात है, अभी पूरा प्रोसेस आपको हम इस बातचीत के बाद अभी हम दिखाएंगे। सुनीता जी का मूर्ति किस तरह से उन्होंने उसकी शुरुआत की, स्केच से शुरू करके और किस तरह से क्ले में पहले उसको बनाना और उसको फिर अलग अलग मीडियम में बनाना। अभी जैसे सुनीता जी ने दिखाया कि ये फाइबर में है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मैंने गंगा के ऊपर बनाया, गंगा में शिव और पार्वती मेन जिनके थ्रू गंगा निकलती है, शिव जी को एक रूप का बताते हैं शिव के पानी से गंगा निकलती है। तो मैं गंगा के बारे में एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी तो बहुत सोच रही थी कि सोशल कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी चीजें, तो मैंने कहा कुछ अलग से करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने इस टेक्निक में आके यहाँ शिव पार्वती बनाए, और गंगा बहुत सुंदर थी और धीरे धीरे धरती पे आते हुए हम लोगों ने खुद ही इस गंगा को गंदा कर दिया, और कैसे गंदा कर दिया वो मैंने अपने इस बीच में दिखाया, कहीं स्कल है कहीं बॉडी है, और हम उसी को इतनी पवित्र गंगा जो मानी जाती है, गंगा को मनुष्यों ने ही मैला किया है, वो एक छोटे से देखिए मीडियम के माध्यम से, छोटी सी मूर्ति के माध्यम से कितना बड़ा संदेश दिया है सुनीता जी ने, आप सच में बहुत। ये आजादी के ऊपर बना रही हूँ काम जी। जब हमें आजादी मिली तो उसके अंदर कैसे, अभी इसके हाथ में बर्ड बनाऊंगी, बर्ड इज द पीस ऑफ, ये तीनों एक महिला और दो बच्चियां हैं शायद, नहीं एक और भी इधर बच्चा ऐड करूंगी। अच्छा, अभी धीरे धीरे प्रोसेस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आजादी के 75 वर्ष के ऊपर बनाया जा रहा है। तो एक ये पीस का संदेश देना जी। तो आप किस किस मीडियम पे काम करती हैं? मैं एक्चुअली डिस्प्ले तो मैं ब्रॉन्ज पे करना पसंद करती हूँ जी, निर्मल जी, पर हमारा जो बेसिक स्टार्ट होता है वो क्ले से होता है। ठीक है, फ्लेक्स के फिर हम मोल्ड बनाते हैं, फिर फाइबर वर्क करते हैं, फाइबर वर्क करने के बाद फिर जब हमारे को वैक्स कास्टिंग करनी होती है तो फिर ही मोल्ड करते हैं हम लोग, फिर वो पीस मोल्ड होता है, पीस मोल्ड करते हैं, फिर हम उसके अंदर मेटल का जो हमारे को थिकनेस रखनी होती है ना जी, फिर वैक्स पीस बनाते हैं थिकनेस ऑफ द मेटल। ओके, फिर उसको जितना वर्क हम क्ले में करते हैं तो सेम वर्क हम फिर वैक्स में करते हैं, पूरा प्रॉपर फिनिश होता है। ओके, फिर वो एक कोरिंग होती है अंदर, रॉ कोरिंग विच इज कॉल्ड विद डस्ट एंड चॉक डस्ट जी, वो सब डाल के हम लोग इसकी कोरिंग करते हैं। एक सिस्टम होता है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का, उसमें रनर्स भी लगाने पड़ते हैं हमें। ठीक, रनर्स भी वैक्स के आते हैं, रनर्स जो है वो मोल्ड को होल्ड करते हैं, मोल्ड को होल्ड करते हैं। क्या बात है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग उसको वैक्स को 24 आवर एक टेम्परेचर पे रखते हैं जिससे वैक्स इवेपोरेट हो जाती है। अच्छा, तो ज्यादा गर्म करते हैं? हाँ, नहीं, वो 24 घंटे में धीरे धीरे इवेपोरेट होनी चाहिए एक टेम्परेचर में। अच्छा, तो उस मेंटेन के टेम्परेचर के बाद जब इवेपोरेट हो जाती है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उसको वैसे गर्म मोल्ड में भी मेटल पोर करते हैं, मेटल को मेल्ट करते हैं, फिर छान के फिर उसका एक पॉइंट छोड़ते हैं जिधर से एक तरफ से हवा निकल जाए और एक तरफ से पोरिंग हो, नहीं तो फट जाएगा अंदर। ठीक है, तो एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो वो करते हैं, फिर मेटल कोरिंग हो जाती है तो उसको ठंडा करने रखते हैं, फिर वो रॉ कोर होता है ना ब्रिक डस्ट और चॉक डस्ट जी और क्रॉक का, तो उसको फिर हम लोग कोर को तोड़ देते हैं ठंडा होने के ऊपर, फिर पीस निकालते हैं, फिर रनर्स कट होते हैं, फिर एक प्रोसेस फिर शुरू होता है फिनिशिंग का, फिर कभी कभी क्या होता है कि उसमें होल आ जाती है, फिर एक वेल्डिंग प्रोसेस होता है। और ये जैसे मैं आपको ये अभी अजय, ये अभी के बाद एक अभी
प्रोसेस है, ये मेटल वर्क है जी, ठीक है, ये भी मेटल वर्क है। ये जैसे भी वेल्डिंग हुए कुछ काम जी, अब से जी जी ये मेटल ये ब्रॉन्ज बनकर आया है, और इसको भी हमने केमिकल में डिप किया था क्योंकि हमें इसके ऊपर भी पतीना करना है। अच्छा, तो इसके ऊपर से सारा हमने वेल्डिंग करके फिनिशिंग करके केमिकल वॉश हो गया। अब इसको हीट प्रोसेस करेंगे और फिर एक इसके ऊपर एक ब्राउन पतीना करते हैं। तो दो तीन स्टेप्स ऑफ पतीना है, जैसे ब्राउन हो गया एक कोटिंग में, नहीं तो दो तीन कोटिंग में कलरिंग लगी होती है। फिर इसके ऊपर हम ग्रीन पतीना करते हैं, फिर ग्रीन पतीना करने के बाद फिर इसके ऊपर हमने जैसे कहीं पर रबिंग करते हैं और कहीं ब्रॉन्ज डालना है, ब्रॉन्ज इफेक्ट निकालना है, ग्रीन पतीना को कम करना है। जैसे मेरा मुंह वहाँ फाइबर में देख सकते जी जी जी, हम ये ट्राई टू लेते हैं, ये जैसे इधर ये ब्रॉन्ज में है, हाँ ये ब्रॉन्ज में ये पतीना हुआ हुआ है। अच्छा, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो इसको वेल्ड किया है और फिनिश किया है दोबारा से। और ये जो है, हाँ ये भी पतीना हुआ हुआ है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था तो वेल्ड किया हुआ है, ठीक उसको बैलेंस खराब था। तो ये एक प्रोसेस में कितना समय लग जाता है? इट टेक्स मंथ्स, वन वर्क टेक्स मंथ्स। अच्छा जी, अभी पूरा करने में, पूरा करने में जो ये आज शुरू हुआ एक महीने बाद, ये शुरू हुआ, ये हो गए कुछ दिन शुरू हुए, पर मैंने इस पे रेगुलर काम नहीं किया जी, और ये कुछ दिन में फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद फिर मोल्ड होगा। कभी कभी तो क्ले पीस भी ले लेता, 15 दिन ले लेता है, कभी डिपेंड ऑन मेरी फ्रीक्वेंसी और आर्टिस्ट का मूड भी डिपेंड करता है, कभी कभी ठीक 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 कैसा चल रहा है, ऑल डिपेंड्स ऑन मून एंड वर्क। कि कभी कभी जैसे इसका हाथ का प्रोसेस है तो आपको बीच बीच में काम को, क्ले के वर्क को छोड़ना पड़ता है सूखने के लिए, नहीं कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते, आपको कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो एक स्लो प्रोसेस में काम होता है क्योंकि जी जी। थोड़ा सा मुझे वो फाइबर वाले के बताइए जरा, इधर भी मेटल के वर्क है। हाँ जी, जैसे ये अभी वेक्स का छोटा सा काम है मेरा, ये भी मेटल का काम है, ये भी फाइबर का काम है, ये भी फाइबर के वर्क से मिले जी, ये भी नए काम है मेरे, दिस इज आल्सो वर्क, वो मेरा एक अलग सीरीज ऑफ वर्क है, अजय मेरा वो एक काम हो रखा है, ये मैंने सोशल कॉजेस भी बनाया था निर्भया के बाद। अच्छा, हाँ ये जैसे एक औरत की मिट्टी चली हुई है बहुत, क्योंकि अभी ना सफेदी हुई है तो सारा डस्ट उस पे, ये एक गंगा के ऊपर बनाया हुआ काम है जी। जैसे शिव पार्वती बहुत सुंदर है और गंगा जो हमारी थी बहुत सुंदर और पवित्र थी, और जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आती है और गंगा हमारी गंदी होती चली गई जी, उसमें जैसे आपकी डेड बॉडीज है ये है, तो वो मैंने इसमें डिपिक्ट किया हुआ है। और ये एक वुमन की जो वर्ल्ड वाइड हालत है, एक जो औरत जननी है तो उसको जैसे भ्रूण हत्या हो गई, हाउ वुमन हैज बीन ट्रीटेड एज ब्रूटली, मारी जाती है पीटी जाती है, तो उसके ऊपर मेरा ये काम है जी। हाँ, और ये काम वो है बनारस के ऊपर, दैट इज अ डाइंग बनारस जी। हाँ, वो टूटा हुआ बनारस है, उतार दे कोई नहीं, बस नहीं उसके अंदर बहुत अच्छा काम है, अब पूरा देखेंगे। अब बोलो, ये मैं एक्चुअली आई लव ब्राइट कलर्स इन पेंटिंग्स, अब देखिए मेरा जो स्कल्पचर कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग है और पेंटिंग कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, क्योंकि मुझे लाइफ अच्छी लगती है, कलर्स अच्छे लगते हैं, और मैं सोचती हूँ कि जब भी कोई इंसान घर वापस आता है और आपको कलर दिखे रूम के अंदर तो आपका एक मूड चेंज हो जाता है, आपको कुछ अच्छी सी सीनरी दिख रही है या कुछ अच्छा वर्क दिख रहा है तो आप इंजॉय करते हैं, आपका दिन भर की थकान निकल जाती है। और सेम ही मैं अपने काम भी वैसे ही बनाती हूँ, आप देखेंगे तो बहुत बॉडी में म्यूजिकल रिदम्स रखती हूँ जी, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉर्म, ये जैसे हाँ एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉर्म, अब जैसे वो म्यूजिक के ऊपर है कपल बनाया हुआ, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल वर्क। एंड ये मेरा एक स्टाइल ऑफ मर्जिंग फिगर्स है, दिस इज माई स्टाइल ऑफ मर्जिंग फिगर्स, तो ये मेरा बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ यही है जिसमें मैं फिगर्स को मर्ज करती हूँ इसी तरीके से, इसमें भी ये कम में भी बहुत सारा काम है जी। अरे अभी बहुत कम काम है, दिस इज माय न्यू बहुत, हाँ ये मैं क्रिएटिविटी पे काम ज्यादा, मेरा ना रिदम और बॉडी मूवमेंट्स और अपना ये रहता है नेचर को भी मैं देखती हूँ।
मैं नेचर बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मैं पेट्स भी लेती हूँ, जैसे शीप हो गई, कैट हो गई, डॉग्स हो गए और बफेलोज हो गए, तो मैं सबके साथ क्रिश्चन भी बनाऊंगी तो गाय जरूर बनाऊंगी, और फिर विलेज सीप बनाऊंगी तो उसमें बफेलोज बनाऊंगी और बच्चे खेल रहे हैं कुछ ऐसा करके कुछ क्रिएटिव करती हूँ। बहुत सुंदर है। हाँ, ये जैसे मेरे एकदम डिफरेंट काम में सिंपलिसिटी, आई डोंट मेक आईज मोशन, तो काम को एक सिंपली फॉर्म में बनाती हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस स्टोरी ऑफ वर्क, लेकिन इसमें पूरी स्टोरी आ गई पीछे, ये पूरी स्टोरी है। ये बच्चा है, एक मेल फीमेल है जिनका एक थॉट है, ये एक थॉट बड़ा हो गया और वो एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट है, एक फैमिली रिलेशन उसको लेके काम है, उसमें नेचर भी है, प्लांट्स भी हैं, तो बहुत है। अभी वो एक नया काम शुरू कर रहे हैं जो जिसमें मैं कुछ फेसेस क्रिएट कर रही हूँ, बहुत सुंदर काम है दिया आपका। बोर नहीं होने देती अपने आप में काम को, सही काम है। हाँ, ये जैसे अभी मेटल वर्क है, ये दिखा सकते हैं। किस प्रकार की जो भी कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे लिखें, सुनीता जी उनके जवाब देंगी। जो मूर्तिकार बनना चाहते हैं, स्कल्पचर्स बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करती हैं, ताकि हम इस माध्यम से, जो हमारा चैनल है इसके माध्यम से, हम अधिक से अधिक बच्चों तक